हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। जैसा कि आपको दिख रहा है, हम वर्कशीट डिस्कस कर रहे थे और बोर्ड पे आपको दिख रहा है किस टॉपिक की डिस्कस कर रहे थे। ये है कैपेसिटर्स। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर्स हैं जो एक्चुअली होते हैं। खैर, हम तो थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी में उसका फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, एनर्जी का हम पढ़ते हैं। तो आज हम करते हैं कैपेसिटर के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो जस्ट देखो, आप सबसे पहला क्वेश्चन, थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड आर अरेंज्ड, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपेसिटेंस, राइट। सो आप देखो, कैपेसिटर्स को हम सीरीज में और पैरेलल में अरेंज करते हैं। अब सीरीज में पैरेलल में अरेंज करने से कहीं तो मिलेगा आपको मैक्सिमम, कहीं मिलेगा मिनिमम, कहीं कैपेसिटेंस कम हो जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो ये डिपेंड करेगा और ये आपको पता लगेगा इसके इक्विवेलेंट के फॉर्मूलों से। तो सीरीज में हम बात करें अगर, तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सीरीज की अगर बात करें तो सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1/Cequivalent इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, इस तरह से सो ऑन, जितने भी कैपेसिटर हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो 6 माइक्रोफेरेड का रेंज है, तो 6 के 3 कैपेसिटर्स हैं। तो 6 के 3 कैपेसिटर मतलब 1/6 फर्स्ट वाला, अगेन सेकेंड वाला भी 1/6 और थर्ड वाला भी 6 वाला है। तो 6 6 6 हमने 3 कैपेसिटर ऐड कर दिए। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा टोटल 3/6। 3/6 मतलब 1/2, राइट। तो 1/Cequivalent 1/2 होगा, तो Cequivalent की वैल्यू आएगी 2 माइक्रोफेरेड, राइट। तो ये आ गई 2 माइक्रोफेरेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर हम कैपेसिटेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 2 माइक्रोफेरेड। ये फॉर्मूला सीरीज का है। नाउ नेक्स्ट, अब फॉर्मूला हम ले रहे हैं पैरेलल का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन भी तो होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में Cequivalent का फॉर्मूला होता है C1 + C2 + C3, जस्ट एडिंग द कैपेसिटी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो Cequivalent क्या आएगा, हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल 3 दे रखे हैं। तो 6 + 6 + 6 माइक्रोफेरेड, तो टोटल क्या आ गया, टोटल आ गया 18 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो Cequivalent आया पैरेलल में 18 माइक्रोफेरेड और सीरीज में आएगा 2 माइक्रोफेरेड, राइट। तो पैरेलल में अगर 18 आया तो आपको पता लग गया मैक्सिमम कब होगा। अगर कैपेसिटी बढ़ानी है, कैपेसिटेंस या स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो हमें इन कैपेसिटर्स को लगाना पड़ेगा पैरेलल में, और अगर कैपेसिटी को घटाना है तो हमें लगाना पड़ेगा सीरीज में। इस क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपेसिटेंस। तो ये तो है आपका मिनिमम, सो मिनिमम कैपेसिटेंस इज 2 माइक्रोफेरेड, और ये है आपका मैक्सिमम, सो मैक्सिमम कैपेसिटेंस इज 18 माइक्रोफेरेड। क्लियर। नेक्स्ट देखो, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। कोई भी कंडक्टर हम लेंगे तो उसकी कैपेसिटी किस बात पर डिपेंड करती है? तो आप देखो, सपोज करें कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर लिया, इसकी कैपेसिटी हम पढ़ चुके हैं, कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 4π εr, ये होता है। ठीक है, तो कैपेसिटी डिपेंड किस पे करती है? सबसे पहला आएगा फर्स्ट, जो बात कर रहे हैं कैपेसिटी डिपेंड्स, सबसे पहला आएगा साइज। साइज में रेडियस इंक्लूडेड है। ठीक है, इसका मतलब रेडियस को जितना इंक्रीज करेंगे कैपेसिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि कैपेसिटी क्या होगी। ठीक है, अगर मीडियम सराउंडिंग में एयर के अलावा कुछ और होता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो कैपेसिटी हो जाती है 4π εr, दैट मीन्स ये हो जाता है K × C। तो एयर की कैपेसिटी का के टाइम्स हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जाता है कैपेसिटी, अगर सराउंडिंग मीडियम एयर के अलावा कुछ और फिल करते हैं तो। ठीक है, तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो रेडियस से भी कैपेसिटी बढ़ जाती है, रेडियस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी, मीडियम चेंज करेंगे कैपेसिटी डिपेंड करती है, कैपेसिटी के टाइम्स हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड, कंडक्टर की कैपेसिटी डिपेंड करती है नियर बाय प्लेस्ड कंडक्टर, नियर प्लेस्ड अनदर कंडक्टर, इस पर भी डिपेंड करता है कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, अनदर कंडक्टर।
इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है किसी भी कैपेसिटर की, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन एन कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस सी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने अभी पढ़ा फॉर्मूला, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट सीरीज का है, वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू सो ऑन, सबकी कैपेसिटी सी है। और कितने कैपेसिटर हैं? एन कैपेसिटर हैं, एन तक क्या लिखना है? सी, सबकी कैपेसिटी सी है। सो वन अपॉन सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी? देखो, इसको अगर आपको ऐड करना है, जैसे आप टू टाइम्स ऐड करोगे तो टू बाई सी, थ्री टाइम्स ऐड करोगे थ्री कैपेसिटर होंगे तो थ्री बाई सी, फोर कैपेसिटर होंगे तो फोर बाई सी, बट यहाँ पर एन कैपेसिटर है तो एन बाई सी। सो सी इक्विवेलेंट जो आएगा वो आ जाएगा सी बाय एन। सी इक्विवेलेंट क्या होगा? सी बाय एन। सीरीज कॉम्बिनेशन में पैरेलल में होता है एन सी, एन इन टू सी, सीरीज में हो जाएगा सी अपॉन एन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर सी वन एंड सी टू इफ दे आर गिवन इक्वल चार्जेस देन वॉट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज। हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, इनमें जो एनर्जी स्टोर होगी उनका रेशियो पूछा है, और दे गिवन इक्वल चार्जेस, तो चार्जेस यहाँ पर इक्वल हैं। फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज क्यू वन, सेकेंड कैपेसिटर का चार्ज क्यू टू, ये इक्वल है। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, बिकॉज हमें फॉर्मूला वो यूज़ करना है जिसमें चार्ज अवेलेबल हो, कैपेसिटी अवेलेबल हो, चार्ज सेम रखना है, कैपेसिटी सी वन सी टू गिवन है। ठीक है, तो चार्ज बिकॉज सेम है दैट मीन्स एनर्जी डिपेंड्स वन अपॉन सी। हमें दो की एनर्जी पूछी है ई वन अपॉन ई टू, कैपेसिटी दे रखी है सी वन सी टू, तो इन्वर्स आ जाएगा तो सी टू अपॉन सी वन, ये रेशियो है। तो ई वन अपॉन ई टू का रेशियो आएगा सी टू अपॉन सी वन। ये जो चार्ज है ये हट गया क्योंकि ये सेम है दोनों के लिए। अगर मैं लिखूंगा भी सी तो क्यू स्क्वायर बाई सी वन, तो नीचे आएगा क्यू स्क्वायर बाई सी टू, तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ सेम है वो कैंसिल हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखो, इन विच फॉर्म द एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर इज स्टोर्ड। कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है? इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सो कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द चार्ज कैपेसिटर। अब कैपेसिटर पे नेट चार्ज पूछा है, तो कैपेसिटर का मतलब आपको पता है दो कंडक्टर्स होते हैं। ये फर्स्ट कंडक्टर चार्ज कैसा है इस पर, सपोज करें प्लस का है और क्यू है। अनदर कंडक्टर, सेकेंड कंडक्टर, इस पर चार्ज क्या होगा? माइनस का, और अमाउंट में होता है माइनस, अमाउंट में होता है सेम। ठीक है, अगर मैं टोटल चार्ज लिखूं नेट चार्ज क्यू नेट, तो आएगा प्लस क्यू, देन सेकेंड वाले का माइनस क्यू, टोटल चार्ज आ गया ज़ीरो। तो कैपेसिटर पे नेट चार्ज ऑलवेज ज़ीरो होता है। नेक्स्ट देखो, इन इफ हाउ हैव गिवन कैपेसिटर्स ऑफ लो कैपेसिटेंस, हाउ विल यू गेट मोर कैपेसिटेंस फ्रॉम दीज कैपेसिटर्स। ठीक है, मोर कैपेसिटेंस, लो कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हैं, हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, मोर कैपेसिटेंस चाहिए। तो हमारे पास अगर लो कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हैं और हमें ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, तो हम इनको कनेक्ट करते हैं पैरेलल। हाउ विल यू गेट मोर कैपेसिटेंस? बाय कंबाइनिंग, बाय कंबाइनिंग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा मोर कैपेसिटेंस। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन द कैपेसिटेंस ऑफ टू माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन द कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन द फोर कैपेसिटर्स, यहाँ पर फोर कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया गया है, फोर कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया गया है कैपेसिटेंस के तहत टू माइक्रोफेरेड, इनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में, तो क्या इक्विवेलेंट आएगा? फोर कैपेसिटर है, सबकी कैपेसिटी कितनी है? टू। तो सीरीज में आपको पता है फॉर्मूला, वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, पहला आएगा वन अपॉन टू, सेकेंड वन वही टू, थर्ड वन उसकी कैपेसिटी भी टू है,
फोर्थ वन उसकी कैपेसिटी भी 2 है, ठीक है। तो सी इक्वलेंट क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 1 अपॉन सी इक्वलेंट क्या आएगा, पहले वो निकालेंगे तो आ जाएगा 4 अपॉन 2, ठीक है। 4 अपॉन 2 ऊपर आ गया 4, 4 अपॉन 2 हो गया। सो 4 अपॉन 2 कितना आ गया, 2 आ गया। सो सी इक्वलेंट कितना आ जाएगा, सी इक्वलेंट आ जाएगा 1 अपॉन 2 माइक्रो फैरेड, ठीक है। तो 2 माइक्रो फैरेड के 4 कैपेसिटर अगर सीरीज में जोड़ते हैं तो इक्वलेंट आएगा 1 अपॉन 2 माइक्रो फैरेड, क्लियर, सीरीज कॉम्बिनेशन का है। नेक्स्ट देखो, ऑप्टेन द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो स्फेरिकल कंडक्टर से कंडक्टर की कैपेसिटी का फॉर्मूला, जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है, ये फर्स्ट कंडक्टर, ये सेकेंड कंडक्टर हो गया स्फेरिकल कंडक्टर, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 4πε0 ए बी अपॉन बी माइनस ए। इसको ऑप्टेन करना है फॉर्मूला, इसको ड्राइव करना है, तो जैसा कि ये हम पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन था कि स्फेरिकल कैपेसिटेंस की कैपेसिटी को डिराइव कीजिए, तो वहाँ हम कर चुके हैं, तो इसको हम दोबारा नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखो, ऑप्टेन द फॉर्मूला फॉर द स्टोर्ड एनर्जी इन चार्ज्ड कैपेसिटर। कोई भी कैपेसिटर अगर है, अगर वो चार्ज्ड है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वो आपको उसका फॉर्मूला ऑप्टेन करना है, ठीक है। तो आप देखो, एक कैपेसिटर है, सपोज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, राइट, एंड अ बैटरी ऑफ वोल्टेज वी इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कैपेसिटर। नाउ दिस बैटरी स्टार्ट्स चार्जिंग ऑफ दिस कैपेसिटर, सो दिस प्लेट बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड दिस प्लेट बिकम नेगेटिव चार्ज, राइट। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, और माइनस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होना, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करना। फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो बैटरी का वर्क है, फर्स्ट प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को निकालकर, फर्स्ट प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालकर सेकंड प्लेट पर डिपॉजिट करना। फर्स्ट प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकालकर सेकंड प्लेट पर डिपॉजिट करेंगे तो सेकंड प्लेट या सेकंड कंडक्टर अपने आप नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्क कौन करेगा, ये वर्क आएगा, वर्क डन बाय बैटरी होगा। सो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी, और सेल वर्क डन बाय बैटरी और सेल टू चार्ज द प्लेट्स वर्क डन बाय बैटरी टू चार्ज द प्लेट्स इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, प्लेट्स को चार्ज करना है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ डिपॉजिट करने हैं, ये काम करेगा बैटरी या सेल, और यही वर्क कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब आप देखो फॉर्मूला वर्क डन का, सो वर्क डन लिख दिया मैंने DW, स्मॉल वर्क डन स्मॉल वर्क डन लिखना है DW, तो DW इक्वल्स टू फॉर्मूला जो होगा स्मॉल वर्क डन का, ये आएगा Q dV। आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, dV इक्वल्स टू होता है DW अपॉन Q। पोटेंशियल डिफरेंस अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसलिए Q से डिवाइड किया हुआ है, तो DW की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q dV, ठीक है। और कैपेसिटर के लिए हमने पढ़ा है Q इक्वल्स टू क्या होता है, Q इक्वल्स टू होता है CV, तो ये हम पुट कर दें तो DW इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CV dV, राइट। अब कैपेसिटर को चार्ज करना है अप टू पोटेंशियल V, कैपेसिटर का कैपेसिटी C है, राइट, पोटेंशियल इसका जीरो होता है, जीरो से पोटेंशियल इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, V। सो टू इंक्रीज पोटेंशियल V, टोटल वर्क डन को लिखेंगे W
W इज इंटीग्रेशन ऑफ DW, और लिमिट्स लगाएंगे 0 वोल्ट से V वोल्ट तक। बैटरी का वोल्टेज कितना है V, तो 0 टू V। जब तक कैपेसिटर पे V वोल्टेज नहीं आएगा तब तक टोटल वर्क डन कंप्लीट होगा, जब तक जब आएगा वोल्टेज V तो कंप्लीट टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन, समेशन, टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, और लिमिट्स 0 टू V, 0 से लेकर V तक का पोटेंशियल। सो DW हमें चाहिए, DW की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन कहता हूँ मैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन से DW की वैल्यू पुट करो, CVdV लिमिट्स है 0 से V। तो C तो कांस्टेंट है और V का इंटीग्रेशन होगा वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट्स हैं 0 से V। ठीक है, तो लिमिट्स अगर 0 से V है तो अपर लिमिट आएगी V, लोअर लिमिट 0 है। सो W की वैल्यू आ गई हमारे पास, W इक्वल्स टू आ गया हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, और ये जो वर्क डन है यही तो एनर्जी है, ये जो वर्क डन है आपका W इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। सो दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, तो U इक्वल्स टू W, सो U इक्वल्स टू आ गया हाफ सी वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कैपेसिटर में स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस सी आर फर्स्ट अरेंज इन सीरीज देन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन बोथ द केसेस। अब सीरीज और पैरेलल अगेन लगाएं और रेशियो निकालना है। कैपेसिटी दे रखी है सी, और कितने कैपेसिटर हैं, थ्री। अब थ्री कैपेसिटर्स हैं, फर्स्ट कंबाइन करते हैं सीरीज में, तो सीरीज में सी एस लिख रहे हैं, तो सी एस की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, सी अपॉन एन आती है, एन की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा सी अपॉन 3 फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम पैरेलल में लिखते हैं, तो पैरेलल में एन सी आती है, एन की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 3C सेकेंड इक्वेशन। हमें क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल। ये आएगा सीरीज के लिए लिखोगे सी बाई 3, पैरेलल के लिए लिखोगे 3C। ठीक है, तो सी से सी कैंसिल हो गया, रेशियो आया 1/9, तो सी एस अपॉन सी पी का रेशियो है 1/9, ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिफाइन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड राइट इट्स SI यूनिट। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस फर्स्ट केस में देखो, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आता है सी, सी इक्वल्स टू होता है क्यू बाय वी। फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था, क्यू इक्वल्स टू सी वी, और सी की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाय वी, सी इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू बाय वी। फिर डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे इफ वी वोल्टेज और पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर और कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय 1 वोल्ट, देन चार्ज वैल्यू ऑफ चार्ज इक्वल्स टू सी। तो यहीं से हमें डिफाइन करना है, डिफाइन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ चार्ज विच रेज द पोटेंशियल, विच इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ एनी कैपेसिटर और कंडक्टर अप टू 1 वोल्ट। ठीक है, सो सी इक्वल्स टू क्यू विच इंक्रीज द वोल्टेज अप टू 1 वोल्ट, ये हो गया कैपेसिटेंस। ठीक है, तो सी इक्वल्स टू क्यू डेफिनेशन हो गई, राइट इट्स यूनिट, तो यूनिट हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपने पढ़ा इसका, फॉर्मूला क्या था, क्यू बाई वी, क्यू की यूनिट कूलम, वी की यूनिट होती है वोल्ट, इसको हम लिखते हैं फेरेड, ये है यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, नाउ इस इक्वेशन का नेक्स्ट पार्ट, ऑन इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन अ स्फेरिकल कंडक्टर बाय 3 times, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स कैपेसिटेंस, गिव रीजन। तो कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है 4πε0R। C डिपेंड करता है साइज पर, हम पढ़ चुके हैं C डिपेंड करता है मीडियम पर, रेडियस पर, साइज मतलब रेडियस, मीडियम पर। ठीक है, यहाँ पर क्या इंक्रीज कर रहे हैं, चार्ज, तो चार्ज इंक्रीज करने से कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डजेंट चेंज, रिमेंस कॉन्स्टेंट। तो चार्ज के बढ़ाने से कम होने से उसकी कैपेसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स कैपेसिटेंस, आप लिखेंगे सी रिमेंस अनचेंज्ड।
ठीक है, और रीजन में क्या लिखोगे, बिकॉज कैपेसिटी डजेंट डिपेंड अपॉन चार्ज एंड पोटेंशियल ऑल्सो. नेक्स्ट देखो थर्ड, ऑन कीपिंग अ डाइलेक्ट्रिक प्लेट इन बिटवीन एयर कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस, इट्स कैपेसिटेंस बिकम जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर रहे हैं, कैपेसिटी कितनी हो जा रही है, 2 से हो जाएगी 5. तो आप बताओ कैपेसिटी क्या होगी. ठीक है, तो एयर के अंदर फॉर्मूला, एयर के अंदर जो कैपेसिटी का फॉर्मूला है या वैल्यू है वो दे रखी है 2 माइक्रोफेरेड. हम पढ़ चुके हैं किसी मीडियम में कैपेसिटी होती है के टाइम्स ऑफ सी एयर. हमें क्या चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के. तो के की वैल्यू आपको दिख रही है साफ, के इक्वल्स टू क्या होगा, के इक्वल्स टू होगा सी व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट, सी व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट डिवाइड बाय सी व्हेन एयर इज प्रेजेंट. तो मीडियम में कितना हो गया 5, एयर में कितना था 2, तो ये 5/2, तो k की वैल्यू आ गई 2.5, k इक्वल्स टू 2.5. ठीक है, और c के रेशियो से आ रहा है तो डेफिनेटली इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ओनली वैल्यू है विदाउट यूनिट विदाउट डायमेंशन. क्लियर. नेक्स्ट देखो, व्हाट इज कैपेसिटर, एक्सप्लेन. तो कैपेसिटर तो हमें पता है, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है. ठीक है, और कैपेसिटर बनता कैसे है, मैंने आपको पहले ही बताया, कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर्स. 2 कंडक्टर्स होंगे इसमें, फर्स्ट कंडक्टर ये हो गया, 2 कंडक्टर्स, अरेंजमेंट ऑफ 2 कंडक्टर्स, ये सेकेंड हो गया, विच हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज. दोनों पर चार्ज कैसा होगा, इक्वल होगा और साइन में अपोजिट होगा. एंड दे आर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम. बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, दे आर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम. ठीक है, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कैपेसिटर. तो उसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट, कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एंड विच आर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम. ठीक है, इसको कैपेसिटर कहते हैं. नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, 3 कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऑब्टेन द रिलेशन ऑफ इक्वलेंट कैपेसिटेंस. इसका इक्वलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला या रिलेशन लाना है. ठीक है, तो कर सकते हैं. देखो 3 कैपेसिटर हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. बैटरी है V, C1, C2, C3. चार्ज Q फ्लो होगा, जो सब में चार्ज सेम होगा, Q1 इक्वल्स टू Q, इस पे आएगा Q2, ये भी क्या होगा Q, और थर्ड वाले पे Q3, इसकी वैल्यू भी क्या होगी Q, बट वोल्टेज अलग अलग होगा V1, V2 एंड V3. सीरीज में आपको पता है, सीरीज में चार्ज और करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, पोटेंशियल जो है डिवाइड होता है, अलग अलग आता है. ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है इसका, देख लो, हमें पता है फॉर्मूला Q = CV. तो Q तो सेम है, V = क्या होगा Q/C, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. तो पहले कैपेसिटर पे पोटेंशियल आएगा Q/C1, सेकेंड वाले पे पोटेंशियल आएगा Q/C2, और थर्ड वाले पे पोटेंशियल आएगा Q/C3. फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन. सो पोटेंशियल ऑन डिफरेंट, पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर्स, पोटेंशियल ऑन फर्स्ट कैपेसिटर V1, V2 एंड V3, दीज आर पोटेंशियल ऑन 3 कैपेसिटर्स डिफरेंट. नाउ कॉम्बिनेशन है इनका, सपोज दे आर कंबाइनिंग एंड फॉर्म अ सिंगल कैपेसिटर, एंड द सिंगल कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ सिंगल कैपेसिटर मीन्स कॉम्बिनेशन इज सी इक्वलेंट एंड बैटरी इज वी वोल्टेज, सो वी वोल्टेज, चार्ज इज क्यू. सो वॉट इज रिलेशन बिटवीन सी क्यू एंड वी, बिकॉज वी नो Q = CV, तो सी इक्वलेंट इन टू वी. नाउ द वैल्यू ऑफ वी, वोल्टेज ऑफ बैटरी, पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज इक्वल्स टू Q/CV, सो इट इज 4th इक्वेशन. नाउ रिलेशन निकालना है कैपेसिटी के लिए, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो बात हम लिखेंगे वो लिखेंगे, एज वी नो सीरीज में आपको पता है
मैं पहले ही बता चुका हूँ, चार्ज तो सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो पोटेंशियल के लिए हम क्या जानते हैं कि बैटरी का पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होगा V1, V2 एंड V3 में। सो एज वी नो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, V1, V2 एंड V3, और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस ऑन डिफरेंट कैपेसिटर्स, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन डिफरेंट कैपेसिटर्स इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी। सो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। नाउ व्हाट इज V? V इक्वल्स टू Q बाय C इक्विवेलेंट। अब हम इक्वेशन 4 से V की वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से V1 की, V2 की और V3, 1, 2, 3 इक्वेशन है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। सो Q से Q कैंसिल हो गया, लो आ गया 1/C इक्विवेलेंट। सो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो इट इज़ द रिलेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन थ्री कैपेसिटर C1, C2, C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो यह है सीरीज का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो हम ऑब्टेन किया हमने, राइट। सो आज की वर्कशीट का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टिल देन गुड बाय।